नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं रश्मि भारद्वाज के उपन्यास वह साल 42 था इसके साथ उपस्थित हूं। यह एक प्रेम उपन्यास है, प्यार पर लिखा हुआ उपन्यास है, मानवीय संवेदनाओं पर लिखा हुआ उपन्यास है, लेकिन इसके शीर्षक से यह आभास होता है कि यह 1942 के आसपास की कोई बात कर रहा है। वाकई उपन्यास की पृष्ठभूमि वही है, लेकिन आज़ादी के आंदोलन के दौरान पनपते हुए प्रेम में कितनी आत्मीयता, कितना अपनापन, कितना प्यार और कितनी गहराई थी, यह इस उपन्यास को पढ़ने के बाद ही पता चलता है। रश्मि मूलतः कवयित्री हैं, अंग्रेजी साहित्य से उन्होंने एमफिल किया, पीएचडी कर रही हैं, मुजफ्फरपुर बिहार में पैदा हुई, सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय रहती हैं, ज्ञानपीठ का नवलेखन पुरस्कार उनको मिल चुका है, कविता संग्रह एक अतिरिक्त और इसके अलावा दूसरा कविता संग्रह उनका मैंने अपनी माँ को जन्म दिया है, यह प्रकाशित हो चुका है। अनुवाद के रूप में, अनुवादक के रूप में भी उनकी बहुत ख्याति है, बहुत सारा काम करती हैं। रस्किन बांड का कहानी संग्रह आदिवासी नहीं नाचेंगे, अनुवाद, गद्य लेखन, विमर्श, स्त्री विमर्श, पटकथा लेखन और संपादन, इन सभी क्षेत्रों में उनका काम उल्लेखनीय है। रजा फाउंडेशन से भी जुड़ी रही हैं, दूसरे कई कवियों का अनुवाद किया है, कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं उनके। रश्मि का यह पहला उपन्यास है और उन्होंने इस उपन्यास को दो काल, दो परिवेश, दो स्त्रियाँ, दोनों ने जीवन को छुआ, एक जो आपरूप थी, दूसरी जो ऋचा है, यह उपन्यास उनका है। यानी इस उपन्यास को उन्होंने अपनी पात्रों को ही समर्पित किया है। उपन्यास की कथा भूमि भी उन्होंने उपन्यास के भीतर उपन्यास के लोकार्पण से शुरू किया है। एक रचनाकार कहें या एक उपन्यास का लोकार्पण है और उसमें उस नायिका से सवाल पूछे जाते हैं। नायिका कौन? नायिका एक पेंटर है जिसकी पेंटिंग की प्रदर्शनी दुनिया भर में लगती है। वह अमेरिका और दूसरी जगहों पे भी पढ़ी होती है या शोध कार्यों के लिए गई होती है। उसके रंगचित्र दुनिया भर के कला विशेषज्ञों का, कला समीक्षकों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। वह जब अपनी एक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन कर रही होती है तो अपने गुरु को बुलाती है, उस शिक्षिका को बुलाती है जो इसे अपनेपन का प्यार दे रही होती है। उस शिक्षिका के साथ उसका पूर्व प्रेमी भी आता है, नायिका का। वह पूर्व प्रेमी को देखती है और अभी तक ये अपने संबंधों को यह डिफाइन नहीं कर पाती है कि मैं वाकई इससे प्रेम करती हूँ या नहीं करती हूँ, जबकि दोनों काफ़ी समय तक एक दूसरे के साथ रह चुके होते हैं, रूममेट होते हैं, काम कर चुके होते हैं और दोनों के बीच एक अलग तरह का आकर्षण भी होता है। यह सोचने लगती है नायिका कि आखिर प्रेम क्या है। इस दौरान उसे याद आता है कि अब लंबे समय तक उसने अपने पिताजी से बात नहीं की होती और उसके पिता का फोन आता है कि उसके दादाजी उस नायिका को याद कर रहे हैं, वो बीमार है। वह अपने गांव जाती है, बिहार के किसी एक ज़िले में, वहाँ अपने दादाजी से मिलती है, दादाजी जिनके साथ इसका बचपन बीता होता है। इस बच्ची की, नायिका की माँ की मृत्यु बहुत छोटी थी तभी हो गई थी, इसको इसकी दादी और दादाजी ने पाला होता है। इस लड़की के लिए दुनिया के सबसे आदर्श दंपति के रूप में इसके दादा और दादी होते हैं। दादी के जाने के बाद वो बार बार उसके दादाजी ये कहते हैं कि मलकिनी आ गई। जब ये पहुंचती है तो देखती है कि दादाजी लगभग अल्जाइमर से ग्रस्त होते हैं, सबको भूल चुके होते हैं, कभी किसी को पहचानते हैं, कभी किसी को नहीं पहचानते, लेकिन उन्हें मलकिनी, मतलब उनकी अपनी पत्नी, इस नायिका की दादी जरूर दिखती हैं। और एक दिन दादाजी इसको इशारा करते हैं कि उस बक्से को उठाओ। एक बक्सा जो हमेशा बंद रहा, जब ये छोटी थी नायिका तो उसको हमेशा याद आता था कि वो उस बक्से के प्रति इसका बहुत आकर्षण होता था,
क्योंकि जब भी ये नाराज होती थी, दादी से कोई चीज़ मांगती थी तो उस बक्से से मिलता था, तो वो सोचती है कि कभी दादी के रहते हुए तो मैं इसको झांक नहीं पाई, देख नहीं पाई, छू नहीं पाई, खोल नहीं पाई, आज दादाजी किस तरह से मुझे कह रहे हैं खोलने के लिए। वह बक्सा खोलती है, वे कहते हैं उसके अंदर से एक बॉक्स निकालो। वो उस बॉक्स को निकालती है, उसमें एक डायरी होती है और उस डायरी से यह कथा, यह उपन्यास एक अलग मोड़ ले लेता है। उस डायरी में से इसको पता चलता है कि जब इसकी दादी छोटी थी तब उनका एक प्रेम था और वह प्रेम कितना अद्भुत था। इसको लड़की को झटका लगता है, नायिका को, कि जिसको मैं आदर्श दंपति समझ रही थी वो उसका भी कोई एक प्रेम था और मेरे दादाजी ने ये डायरी मुझे क्यों पढ़वाई। और फिर वह अपनी दादी के साथ 1942 उस समय की यात्रा करती है जहाँ क्रांति के प्रति, देश को आज़ाद कराने के प्रति अभिभूत और समर्पित दो बच्चे जो साथ पलते बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं और उनके बीच किस तरह से प्रेम पनपता है और किस तरह अंग्रेजी सत्ता के साथ जब उस लड़के पर गोली लगती है जो इसकी दादी का प्रेमी होता है और अंग्रेज ले जाते हैं और फिर कौन सी स्थितियां आती हैं, उसकी शादी हो जाती है और उसके बाद इस नायिका के दादाजी का देहांत होता है, तो वो सोचती है कि आखिर मुझे ये डायरी क्यों दी, कौन सा ऐसा काम था जो अधूरा था और फिर किस तरह से वो दुनिया की इतनी बड़ी धरती पर इतने लोगों की भीड़ में दशकों बाद, कई दशक बाद वह अपनी दादी के उस प्रेमी को ढूंढ पाती है या नहीं ढूंढ पाती है, उसके लिए, इस उत्तर को जानने के लिए आप इस उपन्यास को पढ़ें। यह कथा कहते हुए जो 24 फरवरी 2021 से शुरू हुई है और 1942 के दौर पर यह आंदोलन शुरू होता है, दो प्रेम कहानियां हैं लेकिन बड़ी कहानी वही है जो 1942 में पनपी थी। प्रेम कितना उत्कट हो सकता है, प्रेम कितना पवित्र हो सकता है, प्रेम कितना पावन हो सकता है, प्रेम कितना ज़्यादा प्रतिबद्ध हो सकता है और प्रेम का यह उच्च आदर्श और मूल्य क्या आज के समय में, आज की युवा पीढ़ी को, आज के समाज में प्रासंगिक है, उसको समझ में आता है। उसको जानने समझने के लिए इस उपन्यास का पढ़ा जाना जरूरी है। रश्मि भारद्वाज ने बतौर उपन्यासकार और कथाकार एक अलग छाप छोड़ी है इस उपन्यास के माध्यम से। निश्चित रूप से यह सराहनीय कृति मानी जाएगी। इसका प्रकाशन सेतु प्रकाशन ने किया है। इस उपन्यास का मूल्य है 249 रुपये और पृष्ठ संख्या है 212। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।